बीरबल की कहानी। बीरबल कहते थे, ईश्वर अच्छा ही करता है, जो भी करते हैं ईश्वर अच्छा ही करता है, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना रुके किया करता था। किसी भी दिन ऐसा नहीं जाता था, कोई भी दिन, जिस दिन वो प्रभु की आराधना ना करे। इससे उसे नैतिक व मानसिक शांति प्राप्त होती थी। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सकें। एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था और दरबार में एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बात पसंद नहीं आती कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छा ही नज़र आती है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं, कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिससे जिसके लिए उनकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जा, अपना समय ही बताएगा आगे क्या होना है। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते हुए भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासियों अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि पर विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर ले गए। बलि चढ़ाने के लिए पकड़कर उस दरबारी को मंदिर में ले गए, लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। उस पुजारी ने कहा, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं, हमें महामारियों और बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसीलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपने आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चय आज आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते, इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि लेकिन यह आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारी की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है।